आज का जो ये वीडियो होने वाला है कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा। ये जो आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं ट्रक, हालांकि इसको ट्रक नहीं, अगर रोड पे चलने वाली बाई रोड ट्रेन भी बोलें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेन ही जैसा है। क्योंकि आधा हिस्सा यहाँ पर है इसका, और आधा हिस्सा आपको दिखा दूँ तो वहाँ पर है। यानी कि अगर इसको जोड़ दिया जाए तो करीब 400 के आसपास टायर हो जाएंगे, और ट्रेन से कम नहीं होगा। और इसका कीमत की बात करें तो करोड़ों में कीमत होता है, इसलिए उसको ट्रक नहीं बोलते हैं, इसको वोल्वो एक्सल बोलते हैं, जो इंडिया की सबसे महंगी गाड़ी में आती है। इंडिया की जो ट्रक लिस्ट में आता है, जो रोड पर चलने के जो ट्रक के मुकाबले, इसका कहीं कई गुना ज़्यादा कीमत है, और इसका भाड़ा भी लाखों में तो खर्चा आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि 10 लाख 8 लाख तो इसका खर्चा आ जाता है भाड़ा का, जो इसमें ट्रिम, जो पूरी टीम होती है, जो टीम होता है 10-15 लोग का टीम होता है। अब उस टीम में 4-व्हीलर से लेकर के पुलिस का गाड़ी भी रहता है, जो रोड में कुछ तार और होता है, जो कुछ हटाने उठाने का काम में करता है, और इसमें पूरा टीम काम करता है। मैं एक गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ, पूरा वीडियो देखेंगे तो उसके बारे में कुछ बताऊँगा। रनिंग रोड है, इसलिए मुझे भी बच बचा के वीडियो बनाना है। एक गाड़ी तो उधर आप देख रहे हैं, और मैं एक गाड़ी और भी दिखाने का प्रयास करता हूँ, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। एक गाड़ी देखिए यहाँ पे है। तो ये दोनों गाड़ी अभी निकली है बॉम्बे से, और अभी हो गया इसको 1.5 महीना। 1.5 महीना में मात्र ये 300 या 350 का दूरी तय की है, किलोमीटर का 350 किलोमीटर आने में इसको 1.5 महीना लग चुका है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर 15 लोग भी होंगे तो 1.5 महीना का उनका सैलरी कितना हो गया होगा, और इसका जो खर्च आया होगा डीजल का, और जो आरटीओ खर्चा और रोड खर्चा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इसमें लागत लगा होगा और कितना बड़ा खर्चा आया होगा, आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देखेंगे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसा अगर वीडियो देखना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।